छैया छैया से जय हो तक, चक दे इंडिया से भारत तक। एक आवाज़ है जो जितनी बुलंद है उसी बुलंदी के साथ उसकी कामयाबी, उसकी शोहरत का परचम लहरा रहा है। हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा लगा मेरे को, मैं फिर अपने फेवरेट सिटी में हूँ, क्या बात है, दिल्ली में, अपने भारत में। लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली में इस वक्त। अभी ज़रूरी भी है वैसे गर्मी जो है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो हड्डियों की प्रॉब्लम जो चल रही है वो इसी गर्मी से ही ठीक हो गई, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए लग रही है हमको। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सनलाइट, नॉट इवन द सीज़न, ये हर जगह ये प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ पर कभी बर्फ़ पड़ती थी वहाँ भी वो भी पर बर्फ़ पड़नी भी बंद हो गई, जहाँ गंगा बहती थी वहाँ भी सूखा है। सो ये सीज़न का कसूर नहीं, गर्मी का भी, गर्मियों का सीज़न सदियों से चला आ रहा है, सर्दियों का सदियों से चला आ रहा है, और हर एक सीज़न की अपनी अपनी एक मौज रही है। बिल्कुल अचानक उससे परेशानी बढ़ रही है, तो इसके पीछे काफ़ी कुछ तंत्र मंत्र हैं। लेकिन एक और जो गर्मी है फिलहाल वो है वो भारत की, वो भारत की जो आपके जो दो चार्टबस्टर्स हैं, दो गाने ज़बरदस्त लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं उनको। मैंने यार इतनी फिल्में देखी हैं, हर तरह की फिल्म देखी है, बट मैं इसमें रोया बहुत, और मुझे चुप कराने वाले भी रो रहे थे। स्पेशली ये फिल्म जो है, बेसिकली इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, एंड डेफिनेटली जो एक चीज़ मुझे सलमान खान में बहुत अच्छी लगती है, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं करते, ज़्यादा इंटरटेनिंग ही रहते हैं विद द मैसेज। मोर ओवर उनका जो कंटेंट रहता है फिल्म में चॉइस करने का, उसमें मनोरंजन, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग। हर वक्त हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मोड पे नहीं रह सकते, वी हैव टू थिंक मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, लेकिन बढ़िया तरीके से। और फिर सडनली ये फिल्म उस मोड पे चली जाती है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के जो गुमशुदा रिश्ते हैं, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जिनके लिए सिर्फ भाषणबंदी की जाती है, उसका एक बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट पेश किया, जो शायद अभी 70 साल के बाद काफ़ी लेट होगा, लेकिन तब तब शायद ये किया गया था कि नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता दिया है कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं है। तो इंसान से इंसान को आइडेंटिफाई भले ना किया जाए, लेकिन इंसानियत को इंसानियत से आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू टू मीडिया, जिस तरह से उन्होंने बताया है उस वक्त। लेकिन बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा, मैं बड़ा रोया, बहुत रोया। और फिर मैंने अली को भी फ़ोन किया, अली अब्बास डायरेक्टर, तो एक बार आपकी शानदार आवाज़ में वो अगर वो हाँ, गाना सुनने को मिल जाए। के मैं तुर पया घर से दूर, के मैं तुर पया पर लौटना बहुत जरूर, के मैं तुर पया। तो ये बड़ा, इसका बहुत ही विजन भी बड़ा ग्लैमरस है, इस गाने का बड़ा अच्छा है। बट फिल्म हर रूप में मुझे अच्छी लगी, म्यूजिकली कंटेंट बड़ा अच्छा है। और मैंने हर जगह जहाँ भी जिसको भी मिल रहा हूँ तारीफ कर रहा हूँ। इन बिटवीन आई मेट राजू हिरानी जी, जिनकी फिल्म में गाया था कर हर मैदान फतेह, तो मैं उनसे मिलने गया, ऐसे कॉफ़ी थी मेरे को, मैं हम जब भी उनको फ़ोन करता हूँ कि सर गुड डे के बिस्कुट, हालांकि एक ब्रांड का नाम ले रहा हूँ कट जाएगा, एनीवे बढ़िया से बिस्किट्स एंड नाइस कॉफ़ी तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ। तो बड़े प्यार से उनके, हाँ उनके तो चेहरे पर रौनक रहती है, स्माइल रहती है। तो वहाँ भी मैं उस फिल्म का जिक्र कर रहा था भारत का, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। इंटरटेनमेंट भी जम के है, म्यूज़िक तो है ही बहुत अच्छा, एज यूजुअल विशाल शेखर अच्छा ही जी म्यूज़िक बनाते हैं, और इमोशनल भी बड़ी है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने जितनी भी सलमान खान की फिल्में देखी हैं, दिस इज़ द बेस्ट फिल्म, ये अच्छा, आपने हिस्टोरी। सलमान भाई की बात की, हर एक्टर की, अगर हम पुराने जमाने की बात करें, हर एक्टर की एक आवाज़ होती थी जो सिंगर जनरली देता था। जैसे रफ़ी साहब शम्मी कपूर के साथ जुड़ते थे, धर्म जी, धर्म जी के साथ, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन। वैसे जब आप से हम अगर आपके देखें करियर को उठा करके, तो शाहरुख खान की आवाज़ और सुखविंदर ने उनके लिए प्लेबैक किया, तो अब वो सलमान खान पे आप आए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो आपने पूछा कि मैं शाहरुख भाई की फिल्मों में भी गाता हूँ, सलमान भाई की भी, उनके लिए बेसिकली उनके चरित्र के लिए,
आई प्रेफर टू सिंग फॉर द करेक्टर ऑफ विच दे प्ले ऑन स्क्रीन। तो अजय देवगन की फिल्मों भी गाता हूँ, रणबीर कपूर की भी, रणबीर सिंह की भी। तो मेरे लिए वो जो उनका जो करेक्टर है, जो नरेशन मिलती है हमको, जब डायरेक्टर नरेशन देता है तो वो एक्चुअली में एक्टर का ही नाम नहीं लेता, वो उस चरित्र का नाम लेता, उसकी उसकी डेफिनेशन देते हैं। और देन आई प्रेफर टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन, जो कंपोजिशन जो म्यूजिक डायरेक्टर समझाते हैं उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो समझ सकता है, जो सुन सकता है ढंग से, वो समझ लेगा, और जो समझ लेगा वो कर लेगा। सही बात। सो बेसिकली माई प्रेफरेंस इज टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड एन्जॉय द लिरिक्स एंड टू अंडरस्टैंड द पोइट्री। आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट पोइट्री। आई डू राइट माई सेल्फ ऑल्सो, बट आई नो दैट कि आई एम नॉट द शायर एंड, बट मुझे अच्छा लगता है पोइट्री को, मैं हर एक शब्द को बहुत इंजॉय करता हूँ। तो मैं जो जितने भी हमारी फिल्मों के जितने भी कलाकार हैं उन वो जो चरित्र प्ले करते प्ले हैं करते हैं, द करेक्टर विच दे प्ले ऑन स्क्रीन, मैं उसको प्रेफर करता हूँ, फिर उनके लिए भी वो अच्छा रहता है। आप, इतनी शानदार आवाज़ के मालिक हैं, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी लगाते हैं गानों के पीछे, जिस लेवल पर लेकर के जाते हैं आप किसी गाने को, उस गाने को शानदार बना देता है। तो आप क्या खाते हैं, मतलब कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि तुम इतनी एनर्जी कहाँ से, इतना पैशन कहाँ से लाते हैं सुखविंदर सिंह? क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल में, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि जितना आप लो के नोट्स यानी नाभि से, नाभि हमारे शरीर का एक ज्ञान केंद्र है, तो राम जी का भी रावण की नाभि पे जो तीर मारने का सिंबल है वो ज्ञान का अहंकार है जिस पे तीर मारा गया, बेसिकली वो सिंबल है। तो नाभि जो है हमारा एक ज्ञान है, एक केंद्र है, तो ये हमें लो प्रोफाइल सेंसेस देता है, हम्बल रहने की सेंसेस देता है, इसमें बड़ा हम्बल, तो इसका घमंड से, अग्रेशन से, कंपटीशन से कोई रिलेशन नहीं होता। जो इसके साथ जुड़ जाता है, ये ज्ञान का केंद्र है, तो वो उसमें हम्बलनेस आ जाती है, तो वो एनर्जी का स्रोत जो है, एनर्जी का जो जरिया है। जरिया वो बढ़ जाता है। तो जैसे लोगों को लगता है चक दे हो जय हो कर हर मैदान फतेह हो, इस तरह के जो गाने हैं जिसके लिए एनर्जी बहुत लगती है, एक्चुअली मेरी तो नहीं लगती, या उस व्यक्ति की नहीं लगेगी, उस पर्सन की नहीं लगेगी जो लो प्रोफाइल पे रहते हैं। लो प्रोफाइल वाला, उसकी तीन आइडेंटिफिकेशन होती है। अनस नाम है ना आपका? जी, आहा, आई रिमेम्बर दिस नेम, न्यू नेम टू मी। व्हाट डज इट मीन ऑफ अनस? आपकी फिल्म में एक गाना था, दिल से मैं हल्का हल्का उन्स हुआ, उन्सियत मोहब्बत, वो हाँ, अनस फारसी का वर्ड उसी से बना है, यस सोशल यस, मोहब्बत। वेरी गुड। तो बेसिकली लो प्रोफाइल की तीन आइडेंटिफिकेशन हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं और फ्लर्टी होते हैं, पर पैशनेट बड़े होते हैं। तो वो फिर जितना आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग जितना शांत रहता है, जितना रिलैक्स रहता है, ऊर्जा उतनी बढ़ती है। ये अपनी परफॉर्मेंस के अलावा या सिंगिंग के अलावा दिन भर फड़फड़ाते रहने से वी लूज एनर्जी। तो आपका अपना कोई रोल मॉडल है, आप किसी को मतलब आइडेंटिफाई करते हो, पुराने ज़माने में कोई ऐसा सिंगर था जो जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, या आपको लगता हो कि ये मेरा रोल मॉडल था? कितने सारे हैं, वी कैन नॉट पॉइंट वन पर्सन, कितने सारे हैं, सो मेनी, ऐसे भी नहीं कि अनगिनत हैं। द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल जगह, स्पेशल बात बहुत रेयर होती है, हर जगह बहुत बहुत रेयर होती है स्पेशल चीज़ें, लेकिन हैं, एक नहीं काफ़ी हैं। और ऐसा भी नहीं सिर्फ म्यूजिक फील्ड है से हैं, कई लोग ऐसे जिनको मैं बहुत अडोर करता हूँ, स्पोर्ट्स से हैं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, 100 मीटर रेसर रहा हूँ, अब आज भी मेरा बहुत शिद्दत के साथ सेवा करता हूँ। जो विमेंस हॉकी टीम एशिया कप जीती थी, सबको अलग अलग विलेज से फिर एक वहाँ के सेंटर तक पहुँचाना जहाँ एक ड्राफ्ट चलता है, फिर मुंबई लेके होटल में ठहराना, फिर सबको 1-1 लाख रुपए 18 प्लेयर्स को देना, ये को पहली दफ़ा नहीं किया मैंने। जब चक दे इंडिया आया था तो मैंने 4 या 5 कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्सर्ट्स किए थे फॉर वॉट, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ के लिए जी उतने हैं नहीं एस्ट्रोटर्फ, हाँ तो सब कुछ हम सरकार पे छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम अगर कर सकते तो करता हूँ। और रेसलर्स को अनाउंस कर दिया गया था 18 साल पहले कि जो मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस करेंगे उनको नेशनल टीम में नहीं लिया जाएगा, तो वो बेचारे गरीब परिवार के रिक्शा चला के भी पहलवान बनते, वो कहाँ से लाएंगे गद्दे। तो मैंने दो मैट लेके दी है। तो ये मैं आई अडोर देम, म्यूजिक से कई लोग हैं, आई अडोर अमिताभ बच्चन साहब, कई हमारे फिल्मों के किरदार जो हीरो के रूप में रहे हैं, 22 से 23 साल की उम्र में लॉन्च हुए, 18 साल में लॉन्च हुए, फिर 72 के हो गए, गम में डूब गए, चले गए, ख़त्म हो गए, कि अब क्या करें। तो अमिताभ बच्चन साहब ने उनको बताया कि अब आप ये करें जो मैं कर रहा हूँ। लता जी, लोग कहते हैं सुखविंदर जी आप 2 दशक से 20 साल से आपका करियर वैसा ही चमक रहा है, क्या है ऐसा, क्या है? तो मैं बोलता, जिसका 78 से चमक रहा है जिनका, उनका उनके बारे में क्या ख्याल है? तो ये कंसिस्टेंस, व्हेन वी लूज कंसिस्टेंस वी लूज एवरीथिंग, नॉट मैनी थिंग, वी लूज एवरीथिंग, देन वी आर जस्ट लाइक अ डेड मैन वॉकिंग। एंड व्हेन वी कीप, व्हेन वी रिमेन कंसिस्टेंस इन आर सिस्टम, वी शाइन अ लॉट, बट फॉर दैट वी हैव टू लुक फॉर सुकून। सुकून के लिए कंसिस्टेंस चाहिए, ठहराव चाहिए। अब खाना फास्ट फूड है और बातें कंसिस्टेंस की करनी, डजंट मैच। और नए दौर के सिंगर्स की अगर बात करें, नए दौर के म्यूजिशियंस और सिंगर्स की बात करें, तो क्या आपको उनमें वो कंसिस्टेंसी या वो टैलेंट नज़र आता है? कहीं कोई होगा, कहाँ होगा वो अभी तक नजर नहीं आया, होगा जरूर, होगा होगी, दोनों में से किसी की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिल्मों में अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई जस्ट हेट दैट बॉलीवुड नेम, आई जस्ट डोंट लाइक इट, क्योंकि ऑलरेडी हम 12 स्टेट थे पहले इंडिपेंडेंस के बाद, फिर 17 हुए, फिर अभी 32 हैं, अब बॉलीवुड, फिर टॉलीवुड, फिर कॉलीवुड, कितने वुड हैं, मतलब हमें डिफरेंसेस क्रिएट करने ही करने हैं, हमारी फितरत में आ गए। आई जस्ट हेट दिस नेम बॉलीवुड, इट्स इंडियन सिनेमा। व्हेन वी टॉक अबाउट इन मुंबई अबाउट लता जी एंड आशा भोसले जी, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ए आर रहमान, अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब, वी नो रजनीकांत, कमल हसन एंड मैनी ऑफ लेजेंड, गनीशा, वो दे आर ऑल इंडियंस, दे आर ऑल। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल लड़कियां जो सिंगर सिंगिंग में वो पूरा रूल कर रही हैं। मैंने ये बाई चांस ही ऐसा हुआ, जो भी नए टैलेंट आ रहे हैं उसमें गर्ल्स और स्पेशली बंगाल साइड से तो बहुत ज़्यादा। तो हालांकि अभी कोई ऐसी आवाज़ ऐसी सुनाई देगी दी नहीं है जो आपकी आत्मा को झंझोड़ दे, लेकिन कहीं होगा वो, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई लड़का, कोई लड़की, कहीं से आएंगे ज़रूर, आना तो है ही, ये साइकिलिंग है। आपने अभी स्पोर्ट्स की बात करी कि किस तरह से आपने हॉकी में और रेसलिंग में अपना योगदान दिया, क्रिकेट को भी फॉलो करते होंगे ज़रूर आप, तो अब तो कुछ ही दिनों में इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उसके बारे में क्या आप वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम जो है क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के, क्या होगा या इंडिया पाकिस्तान मैच का क्या होगा? क्रिकेट इज़ हैपनिंग एवरी डे एंड आई एम ऑल्सो हैपनिंग एवरी डे विद माई लॉट्स ऑफ वर्क। आई हैव टू डू रियाज, आई हैव टू डू योगा, आई हैव टू ईट फूड स्लोली, आई हैव टू मीट माई क्रिएटिव पीपल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट म्यूजिक। इन बिटवीन व्हेन आई गेट टाइम देन आई डू फ्लर्टिंग। तो कभी कोई, क्रिकेट की एक सबसे खासियत है कि जिस दिन आप फ्री हुए, अगर आपका मन देख रहा है क्रिकेट करने देखने का, उस दिन मैच चालू होगा। कौन पसंद, सबसे ज़्यादा पसंद कौन है आपको इंडियन टीम में? इंडियन टीम पूरी ही पूरी पसंद है, सारे की सारी, एवरीबॉडी प्ले वेल। एक टाइम था कि क्रिकेट के बारे में एक सेंटेंस था जो अभी यूज़ नहीं होता,
क्रिकेट बाय चांस। हाँ क्रिकेट बाय चांस। तो इसमें वर्ल्ड का सबसे टॉप का प्लेयर, सबसे बेस्ट प्लेयर भी कभी जीरो पे आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसकी क्रिकेट की टेंडेंसी डिफरेंट है। तो अगर इंडियन टीम के लिए कोई मैसेज आपकी आवाज़ में हो, आपके गाने की शक्ल में हो, तो कौन सा गाना होगा वो? अगर मतलब क्योंकि एक सिंगर की इंटरव्यू है तो गाना पड़ेगा ही, वरना उसको उल्टा लटका दिया जाएगा, ये बात भी पक्की है। सो मेरी बेस्ट विशेज है, कर हर मैदान फतेह। मतलब वो वी मस्ट इनकर्ज देम। मुझे मेरे पास कई नाम ऐसे हैं, अभी रिसेंटली 4-5 साल से तो बहुत टैलेंट बढ़ा है मेरे ख्याल से क्रिकेट में। विराट कोहली, महेंद्र हाँ, सिंह धोनी, विराट कोहली तो हैं ही, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है। धोनी अभी तक मौजूद हैं। हाँ, ये बड़ी तकलीफ होती है कि यार इतने साल के बाद ये बंदा रिटायर क्यों नहीं हो रहा। आप ये सोचो कि यार इतने साल के बाद भी इतनी ऊर्जा है, बिल्कुल। तो वो नज़र आती है। तो स्पोर्ट्स में है कि टेंडेंसी है 22 से 25 साल के बीच में इंसान को बूढ़ा बनाने की कोशिश कर दी जाती है, रिटायरमेंट। कई कई प्लेयर्स ऐसे देखें जिसमें 26 से 27 साल में रिटायरमेंट। वो एक पैटर्न है, बिकॉज ऑफ वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में जैसे मैं दोस्तों मैंने आपको कहा कि जब आप फ्री हो, अगर आप इस तरह के किसी प्रोफेशन से पैशनेटली अटैच्ड हैं, तो अभी जिसको खाना खाना है रात को उसी दिन कमा के, वो कहाँ से देख पाएगा? वो तो कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन क्रिकेट की खासियत यह है कि जिस दिन आप फ्री हुए, 10 साल में, 5 साल में, हफ्ते में, 10 दिन में, 5 महीने में, इफ यू रियली विश टू सी क्रिकेट, यू स्विच ऑन टीवी, क्रिकेट विल बी देयर, एंड इट हैपन इन अ मिड नाइट ऑल्सो। एंड माई बेस्ट विशेज, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। और एक बार कर हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, विराट हर मैदान फतेह, हर बंदिया हर मैदान फतेह। और उनको लोग बड़ा अग्रेसिव कह रहे थे, लोग नहीं कुछ लोग, विराट को। मैंने एक दिन पहले हरभजन से बात की, मैंने कहा यार विराट का नंबर चाहिए, तो मैं उस दिन नहीं लगा, तो मैंने कहा कि मुझे टीवी पे उनके मैच देखने हैं। तो ढूंढते ढूंढते टीवी में कोई पहला रिकॉर्डेड मैच चल रहा था, ही वॉज प्लेइंग विद लॉट्स ऑफ हम्बलनेस, नाइसली। तो अच्छा है दुनिया के वो, नंबर वन खिलाड़ी माने जाते हैं, टेस्ट के, वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन कप्तान। इंडिया से इसके पहले भी कई, ये शुरुआत तो गावस्कर से हुई थी, और उसके बाद जब मैं सचिन फिल्म के लिए जब गया था, तो सचिन और मैं और रहमान तीनों बैठे थे, तो एक कोई पर्सन बैठे थे, मीडिया से थे हमारे, तो उन्होंने पूछा कि यार ये तो बहुत ही छोटा है। मैं कह, इसका बैट उठा के देखो, जितना इसका वेट है उससे 2 गुना ज़्यादा इसके बैट का वेट है। सचिन के बारे में हाँ, कहते ये तो बोलता ही नहीं। मैं कह, इसका बल्ला बोलता है, ये क्या करे? अब मैं हर वक्त सर गाड़ी में बैठते, खाना खाते थोड़ी जाग दे, और नहीं, जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल तब करना है, तब तक हमें स्टोर करना है। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से हमेशा हारा, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को बुरी शिकस्त दी है, तो आपको लगता है इस बार भी वही ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स होंगे? टीमें तो टीम दोनों ही स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं। कहते कि जिंदगी में कभी मुकाबले का मज़ा, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तब आता है जब सामने वाला बराबर का खिलाड़ी हो, तो खेलने का आनंद आता है, वरना फिर आप जुल्म करते हुए नजर आते हो किसी पे। तो वो प्लेयर वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, प्लेयर यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ अग्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उनके लूज कर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। दो एक आध छक्का मारा तो वो बढ़ के माना, तो वो उनकी टेंडेंसी है, पंजाबी स्वभाव है वहाँ का। लेकिन ये हम्बल खेलते हैं, तो हम्बल खेलने वाला जो है उसके अंदर एकाग्रता बहुत रहती है, तो वो उनके जीतने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरी बेस्ट विशेज के अलावा मैंने टेक्निकली भी आपको बता दिया कि ये रीज़न है कि वाई इंडिया मोस्टली विन अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट अ वेरी अग्रेसिव, थोड़ा बैलेंस साइड, हम लोग थोड़ा दिमाग से भी खेलते हैं, नहीं वो सब दिल से। दिल से और दिमाग दोनों से। दिमाग से तो खेल ही नहीं सकता कोई, दिमाग जो है
दिमाग इज जस्ट लाइक ए कॉन्फिडेंस विच कैन लूज बट दिल इज लाइक अ बिलीव विल विच नेवर लूज। अच्छा एक बार थोड़ा संगीत पे दोबारा आते हैं, आप बैठे हैं हिंदुस्तान का बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन सिंगर हमारे साथ बैठा हुआ है, आपकी अपनी जो इतनी बड़ी लिस्ट है सॉन्ग्स की जो आपने परफॉर्म की है, जो आपने दिए हम लोगों को दुनिया को, उसमें आपका फेवरेट कौन सा है अपना? यार बड़े हैं मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, किसी एक गाने के ऊपर मैं नहीं पॉइंट आउट कर सकता, कितने सारे गाने हैं, क्योंकि पहला गाना जो मेरा प्रोफेशनली सो कॉल्ड करियर ओरिएंटेड, वो छियाँ छियाँ जब लोगों ने सुना और देखा भी, उसका विज़न भी कमाल था, तब से लेके अभी तक मैंने जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मैं बड़ी शिद्दत के साथ उसे एक्सेप्ट किया है और बड़ी खुशी के साथ उसे परफॉर्म किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एक गाना होगा जिसको मैंने सीने से लगाया होगा और बाकी को मैंने बोला अगर ठीक है, नो एवरी, और ये स्पोर्ट्स के ही ले लीजिए, चक दे लीजिए, कर हर मैदान फतेह ले लीजिए, जय हो ले लीजिए, सब खेल के मैदानों में बजते हैं। अब इनमें से किसको कहूँ बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट में कितने गाने हैं छैया से भारत तक, तो हर एक गाने को क्योंकि छैया छैया अगर आप अपनी आवाज़ में, हाँ ये एक वो पंजाबी में कहते ना पलेठी दा बच्चा, आई यू अंडरस्टैंड, ये प्लेठी दा बच्चा, ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात है। उसके बाद गानों ने मेरे ऑस्कर ले आए, ग्रैमी लाए, पता नहीं क्या क्या अवार्ड मिले होंगे, लेकिन अभी भी वो छैया छैया ही है। वो एक ऐसी ट्रेन है जिसका रास्ता हर तरफ जाता है, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हाँ ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी परफेक्ट बैठता है, सारे इश्क की जाओ चल छैया, सारे इश्क की जाओ चल छैया, पाँव जन तो चले चल छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल जीत ले जीत ले, चल जीत ले रे छैया। हाँ यस, तो आप अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत की, कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप तो इतना मशहूर हो चुके हैं, अब जिंदगी में अब एक साथी की जरूरत नहीं, ये हम लोग औरत का तो औरतों का भी हो सकता है। हाँ मतलब कितने सारे लोग आपको बेस्ट विशेस करते हैं, कितने सारे माँ के रूप में, बहन के रूप में, फ्रेंड के रूप में आपको दुआएं देते हैं जब आप उनका मनोरंजन करते हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी तो होता है, हर मर्दों को जिसके लिए कहते हैं उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ माँ जो है वो गृहिणी होती है, वो घर का सब कुछ देखती है, लेकिन पति भी तो जाके बेचारा धूप में 43 डिग्री में जाके काम करता है, है ना, कंट्रीब्यूशन हर किसी की है। तो कई रूप में मुझे प्यार मिलता है और उस रिश्तों को मैं निभाता हूँ ढंग से निभाता हूँ, और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है, हर एक रूप में मैं उनको देखता हूँ, हर जगह मैं फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो भी उनका नाम स्मरण करता हूँ, लैंड करता हूँ तो भी नाम स्मरण करता हूँ। लैंडिंग का मतलब है कि मैं जिस शहर में उतरा हूँ वहाँ लोग बाग जो हैं इकट्ठे होने वाले हैं, देयर एक्सपेक्टेशन इज मी टू सिंग फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डू फुलफिल दैट देयर एक्सपेक्टेशन। तो हे माँ मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, और मेरे अंदर कोई खोट है तो उसके बारे में आप मुझे आइडेंटिफाई करवाएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। और शादी, ये अभी तो कितनी सारी स्टेटमेंट आ गई है, फिर भी मैं अपनी प्राण पे अड़ा हुआ हूँ, अब कितने सारे लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है कि शादी छोड़ो यार ये कोई काम है, तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी ये स्टेटमेंट दी है, पर फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं अड़े रहे अड़े रहे, मुकरना नहीं बेटा, ये हम आखिरी ब्रीड हैं जो जाने जाएंगे, द लास्ट अम्पायर्स ऑफ मैरिज वर्ल्ड। तो बेटा ये प्रथा हम ही बचा सकते हैं। एक ही फिल्म में दो लोग आ गए, सुखविंदर सिंह और सलमान खान, दोनों की शादियां नहीं? नहीं शादियों की बात नहीं है, मैं उनका अपना एक कोई नज़रिया होगा, लेकिन मेरा अपना कोई नज़रिया होगा, लेकिन ख़राब दोनों का ही नहीं हो सकता। लेकिन अभी ये है कि मैं तकरीबन 80 से 90%
वो मेरे यहाँ घर में हल्दी वल्दी लानी शुरू की है लोगों से। एक्चुअली मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं इस बारे में ये तो स्टेटमेंट दे नहीं सकता। एक बड़े ही प्यारे मित्र ने मेरे से कहा, कहते यार तो स्टेज पे भी गुरु महाराज की तस्वीर रखता है, भोलेनाथ जी की, शिव शंभो की, तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। एक तुम्हारा ये पैटर्न बड़ा अच्छा लगता है, तो गुरु नानक देव जी महाराज का बाणी पढ़ता है, गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी पढ़ता है, हनुमान जी तो खैर हैं ही हैं दिल में, तो कहते अपना शिव जी को, भोलेनाथ जी का तो मंडे को एक महायज्ञ भी करता है। तो मैं कहा भाई इतना तू क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, करने दो। कहते शादी तो उन्होंने भी की थी। अरे मैंने कहा ये बोलना। तो अभी धीरे धीरे, पहले मेरे को प्यार से समझाते थे, पुत्र ब्याह कर ला, ब्याह कर ला, चंगी गल है, चंगी गल है। फिर धीरे धीरे आज से 4 साल पहले, और तू ब्याह करना के नहीं, अब तो छितर ला के हाथ में आ गए हैं, अब तो डंडे सोटे लात घूंसे, अब तो ताने भी। तो मैं उस मजबूरी में नहीं करूँगा कि मैं, मुझे करनी चाहिए इसलिए कि ज़रूरी है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा फ्लर्ट टाइप के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर मैं अपनी फ्रेंड को बताते जा रहा हूँ कि भाई मैं एक बहुत ही विचित्र चरित्र का आदमी हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेकिन इतना है, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, अपनी अंतरात्मा से करेंगे, एक जॉब समझ के नहीं। मैरिज इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग, और वेरी सून आपके कैमरे मेरे ख्याल अभी एक की तरफ नहीं दो की तरफ आ जाएंगे। हाँ अभी कुर्सियाँ दो लगेंगी, एक तरफ शिकायत आएंगे, पहले इनको बताओ ये देखो रात को थोड़ा लेट आते हैं, अब तो लेट शो 11 बजे ख़त्म होगा तो पैकअप करते 12 12:30 तो बज ही जाएंगे, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी बाकी है। चलिए, आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके फिल्मी लाइफ के लिए, करियर के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे। मैं आज तक पे बात कर रहा हूँ, आज तक वी हैव वन ऑफ द पर्सनैलिटी मीडिया इन आर कंट्री, इन द वर्ल्ड। जैसे हमारे जो 5 6 टॉप जो मीडिया है, मुझे एक थोड़ी सी शिकायत करनी है कि एयरलाइंस कंपनीज जितनी भी हैं, उनकी हर हफ्ते हर दूसरे दिन स्टेटमेंट्स आती हैं, लॉस पे है, लॉस में है। इतना इन डीप मैं उनका बिजनेस समझता नहीं, एंड आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन डीप। पर ये अपने आप में एक अजूबा है, एक अपने आप में एक आठवां अजूबा है, अपने आप में पूरे दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है कि कल हम 3 जन आते हैं तो 18,000 की टिकट थे तीनों की। एयरलाइंस का नाम मैं नहीं लेना चाहता ना, आई डोंट वांट टू बी दैट, आई डोंट वांट टू गो इन दैट वे। कल 18,000 की टिकट होती है, 3 जन हम लोग आते हैं दिल्ली में, और कल वापस जाना चाहते हैं तो 68,000 की है। ये क्या है, कौन सा लॉस? दिवाली के दिन मुझे दिल्ली से वहाँ जाना था, मैं यहाँ पर अपने हाथों से अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटने आया था, यहीं से मिठाइयाँ ली, बल्कि मुंबई भी यहाँ से मिठाई लेके गया। मैंने 1,14,000 की इकोनॉमी की टिकट में बैठा था, कहाँ से, ये क्या स्ट्रेटजी है? मेरा यहाँ पे एम्स्टरडेम का शो था, हम लोग काउंटर पे पहुँच के, इंटरनेशनल 2 घंटा पहले पहुँचना पड़ता है, कहते ओवर बुकिंग है, आपकी सीट्स तो किसी को और को दे दी गई है। फिर हम लोग डोमेस्टिकली जब सर जाते हैं तो 1 घंटा पहले बोला जाता है कि 1 आवर पहले, 45 मिनट्स था, फिर 1 आवर। जी तो हम कितने भी बिजी रहे हों लेकिन हम वी डोंट वॉन्ट टू मिस द फ्लाइट, बिकॉज हमने, किसी ने पैसा खर्च किया हम पे, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो हम 1.25 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पहुंचते हैं। फिर वहाँ पर वही सेंटेंस उन्हें देता है, ओवर बुकिंग, अब हम लोग आपकी सीट किसी को दे चुके हैं। तो फिर जब हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, वो कहना छोड़ दे सकते, लेकिन उसमें उतना असर नहीं रह जाता, क्या करें? सेलिब्रिटीज हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि काम चल रहा है, मेकअप हो रहे हैं, शूटिंग्स चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, शोहरत मिल रही है, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ हो रहे हैं, क्या पड़ी है, छोड़ो यार, तो फिर कौन बोलेगा?
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस मैसेज के जरिए कुछ बदलाव होने चाहिए हाँ, ये जरूर। बात सिर्फ उसी की नहीं है, कई जगह ऐसे छोटे छोटे करप्शन है जिसको हम लोग सोचते छोड़े यार इससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन छोटे ही छोटे से जो छोटे छोटे करप्शन है खाने की चीज़ों में, मैल खा रहे हैं हम, क्या करें। इतना बार मीडिया ने चिल्लाया है, इतना बार मीडिया ने सरेआम नंगा किया है कि दूध में मिलावट होती है। दूध एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम अपना दिन शुरू करते हैं, चाय से या पी के, रुकते ही नहीं। ज़ोंबी हो गए हैं, एक को काटा तो दूसरा भी ज़ोंबी हो गया, फिर पूरा शहर ज़ोंबी हो गया, पूरे शहर को चूस लेना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी 1.5 मंथ के लिए, मैं आप ही एक एसोसिएशन है अमेरिका में, अमेरिकन इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन, विच इज़ रियल वेरी इम्पॉर्टेंट इन अमेरिका। तो वहाँ अमेरिकन मेडिकल साइंस में 35% जो है इंडियंस है, 35%। प्रेसिडेंट भी उनके एक फ़ोन पे अपने दौरे को एडजस्टमेंट करता है उनके यहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो मैं वहाँ था, मैंने देखा अमेरिका में बहुत बहुत कुछ देखा, 16 सिटीज़ में मैंने टूर किए। देन आई रियलाइज़ कि यार हम कहीं ना कहीं से कुछ एक बातों से चूक रहे हैं, वरना अदरवाइज तो वी आर द बेस्ट। धन की कमी नहीं है, शिद्दत की कमी नहीं है, मोहल्ले का जो एक कल्चर है रौनक वाला वो उसकी कमी नहीं है, बड़े बेबाक किस्म के लोग हैं, तो फिर स्तर क्यों गिर रहा है। तो कई लोग हो सकता है इस बात का एतराज़ करें कि यार इसको बोलो भाषण बंद करे, कुछ चार गाने सुना दे, कोई बात नहीं, मैं सारी ज़िंदगी गाता रहूँगा, मैं गाता रहूँगा, आपके लिए ही हूँ मैं, पर आई कैन नॉट रन फ्रॉम द ट्रूथ। वाई, मेरे पास तो सब कुछ है यार, मैं सुबह उठ के एप्पल भी खाता हूँ, आंवला भी खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, रात को पार्टी भी करता हूँ, दोपहर को भी ढंग का दो रोटी दाल मेरे पास आ जाती है। मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको कितना ओवर स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा इतना तकलीफ में से निकल के, आपको मालूम है कि अन्न पैदा करने वाला अगर अन्न के बगैर रह जाए तो कैसा होगा। तो काफ़ी सुधार आ रहा है, हम सारा कुछ सरकार पे छोड़ देते हैं, सारा कुछ है। मोदी जी कर देंगे, मोदी जी कर देंगे, मोदी जी कर देंगे। तो सरकार आपकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप भी सरकार हो, यू आर ऑल्सो अ गवर्नमेंट, एवरी सिविलियन ऑफ दिस कंट्री इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट। मतलब देश के नागरिक की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी सरकार, जिम्मेदारी भी है और वो सरकार भी है उनका। वो अगर कहीं पे कचरा खुद फेंकते हैं तो वो मतलब वो भी मिस्टेक, अगर आप नहीं वो करते हो तो आप भी एक गवर्नमेंट का ही फर्ज निभाते हो। जब आपके बारे में पूरे दुनिया में जब गर्व से कोई बात कही जाएगी तो सीना सबसे पहले आपका ही चौड़ा होगा। आप जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करने जाते हैं विदेशों में तो वो सुखविंदर सिंह नहीं होता, वो भारत का एक रिप्रेजेंटर होता है। तो वी शुड नो व्हाट वी हैव टू स्पीक, व्हाट वी हैव टू रिप्लाई, हम किस भाषा में, किस लेवल पे और किस कितनी नॉइजलेस बात कर रहे हैं, या कितनी अच्छी या कितनी बहुत अच्छी। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जितना भी मैं अभी बोर मार रहा हूँ आपको, उतना ये काट देंगे, एडिट कर देंगे, मुझे मालूम है। आखिरी में कोई किसी एक गाने से आप इसका इस बातचीत को अंजाम तक पहुँचाना चाहेंगे, कोई एक गाना? शायद मेरे गाने में तमाशा नहीं होता, इंटरटेनमेंट ही होता है। हो मैं तुर पया, मैं तुर पया, मैं तुर पया घर से दूर के, मैं तुर पया, मैं तुर पया पर लौटना बहुत जरूर के, मैं तुर पया। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब सब मैं बीच करता हूं।